नमस्कार, आप देख रहे भारत में तलाई। मैं हूँ आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर का वक्त हो चला है, तो देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया 573 लोगों को बरखास्त करने का आदेश। हिजाब मामले पर चढ़ा सियासी रंग, अब दूसरे राज्यों में भी पहुंची हिजाब की आंच। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को सौंपा। सुरक्षा में हुई चूक के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे पीएम मोदी, जालंधर की रैली में करेंगे जनता से बात। नवाब मलिक के विरुद्ध जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, तालिबान से रिश्ते हुए तलख। मेटा को एक और झटका, ईयू रेगुलेटर्स ने कहा फेसबुक बंद होने से लाइफ शानदार होगी। आइए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल के स्कूल सेवा आयोग यानी SSC में ग्रुप डी में नियुक्ति को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। उस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले 573 लोगों का वेतन रोकने का आदेश दिया था। इस बार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 573 लोगों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। स्कूल सेवा आयोग पर पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। हालांकि अदालत ने कभी भी इतने लोगों को एक साथ बर्खास्त करने का आदेश नहीं दिया था। बर्खास्तगी के अलावा उन 573 लोगों को अब तक जो वेतन मिला है उसे वापस करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। भ्रष्टाचार कैसे हुआ, पैसे के बदले भर्ती की गई, इसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच कर 14 फरवरी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बुधवार को हाई कोर्ट में न्यायाधीश अभिजीत गांगुली की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कर्नाटका में शुरू हुए हिजाब मामले पर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। यह विवाद कर्नाटका से निकलकर दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया है। इस मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों में भी मतभेद दिखने लगे हैं। वहीं कुछ नेता इसे धर्म से जोड़कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस मामले पर RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कहना है कि देश अब गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में आकर ट्वीट कर कहा है कि बिकनी, घूंघट, हिजाब या जीन्स में क्या पहनना है यह तय करने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है। जबकि ओवैसी ने कहा है कि उस मुद्दे पर नफरत फैलाई जा रही है। वहीं BJP ने ड्रेस कोड का हवाला देकर हिजाब को गलत बताया है। कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि कॉलेज परिसर में इस्लामिक प्रथा के तहत हिजाब पहनने सहित जरूरी धार्मिक प्रथाओं को अपनाना उनका मौलिक अधिकार है। पंजाब विधानसभा चुनाव में काफी वक्त बचा है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। BJP की ओर से अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को वर्चुअल रैली करने के बाद अब पीएम मोदी पंजाब में फिजिकल रैली करेंगे। 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी पंजाब का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में फिजिकल रैली करेंगे और पंजाब की जनता से सीधे बात करेंगे। मुंबई उच्च न्यायालय ने NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस NCP के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की अवमानना अर्जी के मामले में जारी किया गया है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी अर्जी में कहा था कि दिसंबर महीने में हाई कोर्ट में नवाब मलिक ने यह हलफनामा दिया था कि वे बिना सबूत वानखेड़े परिवार पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन नवाब मलिक इसके बाद भी लगातार उनके परिवार पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। कोर्ट ने इसी संबंध में नवाब मलिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डुरंड लाइन के नाम से जानी जाने वाली अफगानिस्तान पाकिस्तान की बीच की सीमा को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस सीमा को अफगान तालिबान मान्यता नहीं देता। यही वजह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा है तभी से पाकिस्तान सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। खुर्रम जिले में एक उत्तर पश्चिमी सीमा चौकी पर 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इन्हें अफगानिस्तान की जमीन पर रहने वाले
चरमपंथियों ने मौत के घाट उतारा है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इसे पाकिस्तान का लोकल तालिबान भी कहा जाता है। यूरोप में मेटा की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। इस महीने की शुरुआत में फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि नए यूजर डेटा नियमों के कारण उन्हें यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज बंद करनी पड़ सकती है। इसके जवाब में यूरोपीय यूनियन के शीर्ष अधिकारी ने अपनी बात कही है, जो मेटा के लिए अच्छी नहीं है। सिर्फ यूरोपियन अधिकारी ने कहा है कि फेसबुक के बिना जीवन शानदार होगा और लोग इसके बिना ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकेंगे। डिजिटल कंपनियों का समझौता होगा कि यूरोपीय महाद्वीप अपनी संप्रभुता के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहे। यूरोपीय यूनियन के अधिकारी ने साफ कर दिया है कि मेटा को यूरोप में नए नियम मानने होंगे। देश देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।